विश्व पर्यावरण दिवस पर आज हम आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने पिछले 28 सालों में 2800 महिला समूह बनाकर 28,000 से ज्यादा महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा है। ये कहानी है पोटका राजनगर की रहने वाली चामी मुर्मू की, जो आज पर्यावरण को लेकर करोड़ों लोगों की मार्गदर्शिका बनी हुई है। राजनगर का ये क्षेत्र पहले हरा भरा नहीं था, कभी ये बंजर भूमि थी जो आज तरह तरह के पेड़ से गुलजार है। सुबह सुबह समूह की महिलाएं यूं ही पेड़ों के लिए निकल पड़ती हैं। हर बार खाली जगह देखकर उनमें पेड़ लगाया जाता है। ये सारा परिवर्तन आया है सिर्फ एक महिला की वजह से, जिनका नाम है चामी मुर्मू। चामी ने राजनगर के बगराई साई में सहयोगी महिला संस्था का गठन किया। उनकी संस्था ने अब तक 720 हेक्टेयर भूमि पर 28 लाख पौधे लगाए और इसी वजह से उन्हें 1996 में इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 8 मार्च 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। 30 साल से नर्सरी करते हैं, किसी को हम लोग जरूरतमंद पौधा हम लोग फ्री में भी देते हैं और अपने भी लगाते हैं। आरिस टुंगरी में पूरा जो भी बंजर भूमि है हम लोग वहीं पर हम लोग पौधा लगाते हैं। इसमें जिला प्रशासन का भी सहयोग रहा है। चामी मुर्मू आज हर लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। पर्यावरण की रक्षा कर न सिर्फ आसपास हरियाली वो ला रही हैं, बल्कि मानव समाज के जीवन के लिए भी ये उनका बड़ा योगदान है। हाँ चामी दीदी, यह जैसे कि बगरैसा में नर्सरी करती है, कराते हैं और इस जगह सब बंजर था पहले और बहुत सारे पेड़ पौधे लगाकर इसमें हरा भरा लाया है। और यहाँ आमने सामने के जितना भी महिलाएं हैं और पुरुष भी है, साथ साथ रोजगार भी मिलता है। प्रकृति से इतना लगाव समय की मांग भी है और जीवन का मंत्र भी। जैसे हम प्रकृति से दूर होंगे, हमारा जीवन उतना ही छोटा और कष्टदायक होगा। जबकि प्रकृति से लगाव आसपास के क्षेत्र के साथ साथ जीवन को भी हरा भरा करेगा। न्यूज 11 भारत के लिए पोटका से विनोद केसरी की रिपोर्ट।